Non-stop 100. भारत और पाक के बीच रिश्ते सुधारने की बड़ी पहल, 25 अगस्त को होगी सचिव स्तर की बातचीत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का बयान, इस्लामाबाद में होगी सचिव स्तर की बातचीत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाक के विदेश सचिव से फोन पर बात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में भारतीय विदेश सचिव ने सीज फायर के उल्लंघन का मामला भी उठाया। कोलकाता में हैवान बनी महिला टीचर, सामने आया दरिंदगी का वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है महिला टीचर, 3.5 साल का है बच्चा। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके की घटना, बच्चे के घर वालों ने 3 दिन पहले ही टीचर को नौकरी पर रखा था। बच्चे के रोने पर भी नहीं महिला का दिल पसीजा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अभिभावकों ने पुलिस से की शिकायत, अभी नहीं हुई कार्रवाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं, सांसदों को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र सदन विवाद पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी है लेकिन किसी धर्म का अपमान नहीं करते हम। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, भ्रष्ट कांग्रेस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में। संजय राउत के मुताबिक, हमें उसके धर्म का पता नहीं था, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। महाराष्ट्र के जो भ्रष्ट कांग्रेस वाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उसको धार्मिक और राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, जब उसने रोजा रखने की बात कही तो हम फौरन रुक गए थे। किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है तो किसी धर्म का है, वो हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन या पारसी है। जब उसने बताया मैं रोजे पे हूँ तो रोटी उसने वापस ली। शिवसेना सांसद अनंत गीते ने कहा, शिवसेना सांसदों पर लगाया आरोप गलत और मनगढ़ंत। अनंत गीते ने कहा, शिवसेना सांसदों पर लगाए सारे आरोप झूठे, हमारी शिकायत वहां की व्यवस्था और थाने की। कंप्लेन करने गए थे सांसद? नहीं, कंप्लेन करने गए थे सुविधाओं की, लेकिन नाराजगी हो गई। नहीं, नाराजगी तो है ही ना, वो रेसिडेंट कमिश्नर के खिलाफ, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आरोप। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी उठा मुद्दा, एनसीबी के मंत्री ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से कहा, रेसिडेंट कमिश्नर से मांगी जाए सफाई। कैबिनेट की बैठक में एनसीबी के मंत्रियों ने कहा, महाराष्ट्र सदन में खाने की घटिया शिकायत की भी जांच हो। ये बहुत शर्म वाली बात है और ये मामला हमारी पार्टी ने सदन में भी उठाया है। ये उस बात का प्रतीक है कि इनकी सोच क्या। बीएसएफ मुखिया मायावती ने कहा, अगर आरोपों में सच्चाई है तो सांसदों की हो गिरफ्तारी। इस मामले में बिना कोई देरी के हुए तो केंद्र की सरकार को, जो शिवसेना का सांसद है जिसने ये गलत कार्य किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी का मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार, मीडिया के सवालों को टाल गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ का भी बयान देने से इनकार, गडकरी ने भी साधी चुप्पी। जेडीयू ने घटना को लेकर की निंदा, शिवसेना के सांसद कर रहे थे दबंगई। महाराष्ट्र फूड वहां नहीं परोसने के नाम पर जिस तरह से की गुंडागर्दी की गई, रोजा रहते हुए उसके मुंह में रोटी ठूसा, उसके उस सवाल को हमने उठाया है। महाराष्ट्र सदन के पीआरओ संध्या पवार के मुताबिक 17 जुलाई की रात आईआरसीटीसी से खत्म हो गया था कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी भी पक्ष ने झड़प की शिकायत दर्ज नहीं कराई, रेसिडेंट कमिश्नर के कहने पर बढ़ाई सुरक्षा।
आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं लड़ेगी चुनाव, करनाल में बुलाई गई बैठक में हुआ फैसला। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव भी मौजूद, अब केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजी जाएगी राय। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कोदारा ने कहा, आपसी तालमेल न होने से चुनाव न लड़ने का लिया फैसला। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने रखी थी राय, महाराष्ट्र हरियाणा के बजाय दिल्ली में झोंकी जाए ताकत। छत्तीसगढ़ में लगातार चार दिनों से हो रही बारिश से राज्य की नदियां उफान पर, बस्तर में करीब 250 गांव जलमग्न। इंद्रावती, महानदी और शिवनाथ नदी में बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को खाली कराने के आदेश दिए। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरकार का निर्देश, 24 घंटे कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देनवा नदी में उफान से बाढ़, पंचमढ़ी में 12 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों पर्यटक। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण देवना से पंचमढ़ी का रास्ता बंद, पर्यटकों को किसी तरह निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में होमगार्ड के जवान के बीच सड़क पिटाई, ऑटो पर डंडा बरसाने में महिला को लगी चोट। महिला के रिश्तेदार ने होमगार्ड की डंडों से जमकर पिटाई की, सड़क पर जमकर हुआ बवाल। यूपी के बस्ती में कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, बाद में छात्रों ने भी कई पुलिस वालों की पिटाई की। अंग्रेजी विषय में प्रवेश के लिए धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बाद में गुस्साए छात्रों ने पुलिस वाले को खदेड़ कर पीटा, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में महिला की मौत, परिजनों का आरोप, दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या की। 5 महीने पहले ही भावना की हुई थी शादी, परिजनों के मुताबिक दहेज में प्रॉपर्टी और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग थी। पुलिस ने महिला के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। डीयू के एक कॉलेज में सामने आया रैगिंग का मामला, बीए फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ सीनियर्स ने मारपीट की। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। '1992 में पर्थ में खेली गई शतकीय पारी को सचिन ने बताया बेस्ट, कहा वहां शतक जड़ने के बाद मुझ में काफी आत्मविश्वास जगा। मुंबई में एक समारोह में पहुंचे सचिन ने कहा, पर्थ में शतक लगाने के बाद मुझे लगा अब मैं दुनिया में कहीं भी रन बना सकता हूं। अपने बेटे अर्जुन को लेकर बोले सचिन, कहा वो जो भी करेगा मैं उसके फैसले का समर्थन करूंगा। सचिन ने कहा, मेरी क्रिकेट में रुचि देखने के बाद ही मेरे पिता ने मुझे क्रिकेट खेलने की आजादी दी थी। सचिन ने कहा, मेरी बेटी अपने मां के नक्शे कदम पर मां की तरह वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। होंडा की नई कार मोबिलियो लॉन्च, इस साल ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो में दिखी थी झलक। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है नई कार, पेट्रोल मॉडल की कीमत की शुरुआत 6,50,000 से। डीजल कार की शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपए, होंडा की नई कार में कई खूबियां। BMW ने लॉन्च की है 7 सीरीज की हाइब्रिड कार, हाइब्रिड कार की कीमत 1,35,00,000।
कार की बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक चल पाएगी कार, बाद में पेट्रोल से चलाई जा सकती है कार।